गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। क्योंकि धूल तो होती नहीं बर्फ की, इसलिए कण कह सकते हो आप, तो बर्फ के कण। क्योंकि वो कण बर्फ के जो हैं इतने छोटे छोटे हैं कि कवि उनको धूल कह रहा है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। द बे ऑफ ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से द बे ऑफ ए क्रो, जिस तरीके से कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मेरे पे गिराया है द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से या एक धतूरे के पेड़ से। हेमलॉक ट्री, यहाँ पे धतूरे का पेड़ इसे कह रहे हैं, तो धतूरे के पेड़ से जिस प्रकार गिराया है। हेमलॉक का जो पेड़ है वो अमेरिका में पाया जाता है, बहुत जहरीला पेड़ है। हैज गिवेन माई हर्ट, हैज गिवेन दिया है माई हर्ट मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मनोदशा को परिवर्तित कर दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, एंड सेव्ड और बचा लिया सम पार्ट ऑफ ए डे, एक दिन का कुछ भाग। आई हैड रूड, जिसमें मैं दुखी था। आई हैड रूड, जिसमें मैं दुखी था। अर्थात आप ऐसा कह रह सकते हो, जो कवि था वो पहले से ही दुखी था। वो एक हेमलॉक जो ट्री था उसके नीचे था, वहाँ पर कहीं से कौवा आया और उस पेड़ पर जो बैठ गया, बैठकर उसने उसकी डाढ़ी को हिलाया, उससे कवि के ऊपर कुछ बर्फ के छोटे छोटे कण गिरे, फिर उससे कवि का जो मूड है वो बदल गया। और अभी तक जो दुखी था कवि, अब दिन के कुछ भाग जो बचे हुए भाग थे, उसका मूड बदलने के बाद वो खुश हो गया। तो ये हमारी कविता का सारांश है।